चलाऊंगा देखना। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा वसुभान अल्लाह बुकरतन व असीला नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا سامعات عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں اور ہمارے اس قرآن کے سفر کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بے حد مقبول فرمائے. तो आज का हम सेशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे और आप में से जिसको आंसर आता हो आप लोग प्लीज हैंड रेज करिएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज का हमारा टॉपिक है खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश. यानी अगर आप एक लफ्ज में इसको कहें तो हम कहेंगे खड़ी हरकत. इससे पहले हम हरकत वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं. हरकत आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, जबर, जेर और पेश. इन तीनों को हरकत कहते हैं, जबर, जेर और पेश. आज हम पढ़ने वाले हैं खड़ी हरकत. खड़ी हरकत यानी खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश. खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश, ये क्या है? हमारी खड़ी हरकत है. खड़ी हरकत, तो आइए देख लेते हैं. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं खड़ा जबर. खड़ा जबर, इसको हमें कितना खींचना होता है और किस तरह से इसको पढ़ते हैं, क्या इसको पढ़ने का कायदा है, क्या इसको पढ़ने का रूल है, वो इंशाल्लाह आज हम सीखने वाले हैं. तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हुरूफ़े मद्दा. थोड़ा सा उसको याद करिए क्योंकि हमें उसकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी थोड़ी सी. तो हमने हुरूफ़े मद्दा के बारे में पढ़ा था. हुरूफ़े मद्दा जो होते हैं वो तीन होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा. तो अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, इनको हम कितना खींच रहे थे? इनको हम खींच रहे थे दो हरकत की बराबर. जैसे बा जबर बा प्लस बा जबर बा इज इक्वल टू बा अलिफ जबर बा. ठीक है, तो इसी तरह जो हमारा खड़ा जबर है, खड़ा जबर जो है हमारा, वो कितना खींचा जाता है? वो खींचा जाता है एक अलिफ की बराबर. ठीक है, एक अलिफ की बराबर इसकी खींचने की मकदार है. इसकी क्वांटिटी जो है वो खींचने की, इसको लंबा करने की, वो है एक अलिफ, एक अलिफ की बराबर. यानी ऐसे भी आप कह सकती हैं कि जैसे हमने पढ़ा था बा अलिफ जबर बा. ठीक है, यानी जितना हम हुरूफ मद्दा को अलिफ मद्दा को खींच रहे थे उतना ही हम क्या करेंगे, खड़ी हरकत यानी खड़ा जबर को खींचेंगे. जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है बा अलिफ जबर बा. ठीक है, तो ये किसके इक्वल है? बा खड़ा जबर बा. बा अलिफ जबर बा किसके इक्वल है? बा खड़ा जबर बा. ठीक है, बा खड़ा जबर बा. जितना हम बा अलिफ जबर बा को खींचेंगे उतना ही हम बा खड़ा जबर बा को खींचेंगे. यानी इसकी मकदार कितनी है खींचने की? एक अलिफ या दो हरकत, ऐसे भी आप कह सकती हैं, दो हरकत या एक अलिफ. इसको आप हाँ इस तरीके से भी कह सकती हैं कि बा अलिफ जबर बा की शॉर्ट फॉर्म क्या है? बा खड़ा जबर बा. अगर आप बा अलिफ जबर बा ना लिख कर बा खड़ा जबर बा कर दें तब ये क्या हो जाएगी? इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी. चलिए ठीक है, फिर हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, कितना खींचकर हम इसको पढ़ते हैं. पहले हम इसको अलग अलग इसकी मश्क करेंगे और फिर कुछ लफ्जों के साथ इसकी मश्क करेंगे. तो आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट करती जाइएगा. एक बार मैं पढ़ूंगी, आप लोग उसको सुनेंगी तवज्जो के साथ और फिर उसको रिपीट करेंगी. जब तक आप रिपीट करेंगी तो क्या होगा, इससे आपकी बहुत ज्यादा इस्लाह होगी और आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट करती जाइएगा. चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले है हमारे पास हमजा. हम इसको हमजा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि जब अलिफ यानी अलिफ के ऊपर
कोई भी हरकत लग जाती है। हरकत, हरकत वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, यानी जबर जेर पेश, और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है खड़ी हरकत। तो खड़ी हरकत में से भी अगर कोई भी चीज, कोई भी हरकत अलिफ पर लग जाती है तो फिर वो अलिफ नहीं पढ़ा जाता है, वो क्या पढ़ा जाता है? हमजा। ठीक है, हमजा। तो इस पे हमजा पे क्या लगी हुई है? खड़ी हरकत यानी खड़ा जबर। तो खड़ा जबर को हम कितना खींचते हैं? एक अलिफ की बराबर, या आप कह सकती हैं दो हरकत की बराबर। तो चलिए पढ़िए मेरे साथ, हमजा खड़ा जबर आ, हमजा खड़ा जबर आ, बा खड़ा जबर बा। और एक चीज और यहाँ मैं रुककर आपको बता दूं कि आपको पढ़ते वक्त मखारिज का जरूर ध्यान रखना है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको मखारिज और आपके पक्के होते जाएं, यानी मखारिज ऐसा नहीं है कि आप आगे पढ़ती जाएं, हम लोग आगे पढ़ते जाएं और पीछे का सारा भूलते जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मखारिज जो है वो आपको ध्यान रखने हैं कि हमजा हमने कहाँ से पढ़ा है, बा हम कहाँ से पढ़ेंगे, ता हम कहाँ से पढ़ेंगे, इसी तरीके से या तक। ठीक है, तो मखारिज का आप बहुत ध्यान रखिए। बा खड़ा जबर बा, बा खड़ा जबर बा, ता खड़ा जबर ता, ता खड़ा जबर ता। याद रखिए इनको हमें बहुत ज्यादा भी नहीं खींचना है और बहुत कम भी नहीं खींचना है। कितना खींचना है हमें? एक, एक अलिफ की बराबर या दो हरकात की बराबर। सा खड़ा जबर सा, सा खड़ा जबर सा, सा खड़ा जबर सा, सा। जीम खड़ा जबर जा, जीम खड़ा जबर जा, जा। हा खड़ा जबर हा, हा, हा। और अब जो आ रहे हैं आपके सामने स्टार्ट हो रहा है हुरूफ है मुस्तालिया, यानी मोटा पढ़े जाने वाला हुरूफ। तो इसमें जो खा है और आगे आएगा रा, आगे आएगा स्वाद, बात, वाज, वा, कौफ। तो इनको आपने क्या है? मोटा पढ़ना है। हुरूफ मुस्तालिया आप पढ़ चुकी हैं, सात होते हैं और इसका मजमुआ हमने आपको याद कराया था, खुस्वाद वगतिन क़िज़। ये सात हुरूफ मुस्तालिया हैं, हमेशा हर हालत में मोटे पढ़े जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपके पास आ रहा है ख, ख खड़ा जबर ख, ख, कैसे नहीं पढ़ना है आपको? खा खा, ऐसे नहीं पढ़ना है, बल्कि हम कैसे पढ़ेंगे? मुंह भर के और मोटा करके, ख खड़ा जबर ख, ख, अब रा पे देखिए खड़ी हरकत यानी खड़ा जबर है, तो खड़ा जबर होगा और उल्टा पेश होगा तब रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, और जब रा पर जेर होगा, खड़ी जेर होगी, तब हम क्या करेंगे? रा को बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप, इसलिए हम रा को मोटा पढ़ेंगे यानी पुर पढ़ेंगे। देख लीजिए किस तरह से, इसको हम कैसे नहीं पढ़ेंगे? रा खड़ा जबर रा, जी जी इंशाल्लाह जी। तो हम पढ़ रहे थे रा को, रा को हमने बताया कि जब रा पर खड़ा जबर होगा तब रा को मोटा पढ़ेंगे, रा खड़ा जबर रा, रा, रा। आगे है जा खड़ा जबर जा, जा, जा। तीन खड़ा जबर सा, सा, सा। जा और सीन, इन दोनों को पढ़ते वक्त सीटी की सी आवाज निकलती है, आपको याद आ गया होगा, हमने ये मखारिज वाले चैप्टर में पढ़ा था। और इनका इसका मखरज भी क्या है? जुबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा। आगे बढ़ते हैं, शीन जबर, शीन खड़ा जबर शा, शा, खड़ा जबर सो,
बात को पढ़ते वक्त ये बात ध्यान रखिए कि वाव की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, यानी स्वाद स्वाद नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें कैसे पढ़ना है, स्वाद खड़ा जबर आगे देखिए नेक्स्ट है बौद्ध। बौद्ध को पढ़ते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि वाव की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, यानी द्वाद ऐसे नहीं पढ़ना है और ना ही ज्वाद ऐसे पढ़ना है, बल्कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, बौद्ध खड़ा जबर बो मुंह भरकर और मोटा करके पढ़ते हैं हम बौद्ध को, बौद्ध खड़ा जबर बो पो खड़ा जबर पो मोटा करके पढ़ेंगे, पो खड़ा जबर पो 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 ता नहीं पढ़ना है, बल्कि कैसे पढ़ना है हमें, पो ता और पो दोनों में फर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है जो, इसको भी हम मोटा करके पढ़ेंगे और वाओ की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, जुआ नहीं पढ़ना है, बल्कि कैसे पढ़ना है, वो खड़ा जबर वो खड़ा जबर वो आइन खड़ा जबर आ आ आ। इसको पढ़ते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमजा और आइन ये दो क्या हैं, अलग अलग हरूफ है, इनको हमें मिक्स नहीं कर देना है, हमजा अलग अलग है और आइन जो है इसकी आवाज अलग है, आइन 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 खड़ा जबर आ आ हलक के बीच वाले हिस्से से, आइन खड़ा जबर आ आ आ वाइन खड़ा जबर गो 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 वाइन खड़ा जबर गो गो, इसको भी हम मोटा करके पढ़ते हैं, वाइन खड़ा जबर गो गो फा खड़ा जबर फा 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 ऑफ खड़ा जबर ओ ओ ओ काफ खड़ा जबर का। देखिए फर्क रखना है हमें ऑफ और काफ, ऑफ और काफ, काफ खड़ा जबर का लाम खड़ा जबर ला 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 मीम खड़ा जबर मा 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 मीम खड़ा जबर मा नून खड़ा जबर ना 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 नून खड़ा जबर ना वाव खड़ा जबर वा, वाव को पढ़ते वक्त हमें होंठों को गोल करना होता है, वाव खड़ा जबर वा 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 हा खड़ा जबर हा हा को पढ़ना, कहाँ से पढ़ना है हमें, हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से, जो सीने की तरफ हमारा हिस्सा होता है वहां से, हा खड़ा जबर हा 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 हमजा खड़ा जबर आ आ आ या खड़ा जबर या या या। आगे देखिए, आगे लफ्जों के साथ हम इंशाल्लाह अल्फाज के साथ मश्क करेंगे, तो सबसे पहले है हमारा आदमा, इसको हम हिज्जो करके देखते हैं कैसे हम हिज्जो करेंगे इसकी और किस तरह से हम इसको रवानी पढ़ेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले है आदमा, इसकी हिज्जो देख लीजिए, हमजा खड़ा जबर आ आ आ दाल जबर दा आदा आदा मीम जबर मा आदमा आदमा। अब इसमें देखिए हमने सिर्फ किसे खींचा, हमने सिर्फ हमजा को खींचा क्योंकि हमजा पर खड़ी हरकत लगी हुई है, यानी खड़ा जबर लगा हुआ है, ना हमें दाल को खींचना है और ना हमें मीम को खींचना है, क्योंकि हमें मालूम है दाल और मीम इन दोनों पे क्या है, सिर्फ हरकत लगी हुई है, ठीक है, यानी खड़ी हरकत नहीं है, और जिस हर्फ पर खड़ी हरकत होगी हम सिर्फ उसी को खींचेंगे,
तो हमने यहाँ पर देखा कि हमजा के ऊपर खड़ी हरकत है यानी खड़ा जबर है, तो हम सिर्फ हमजा को खींचेंगे। अगर हम इसको ऐसे पढ़ दें आदम मा, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा, मीम पर खड़ी हरकत लगा दी मा, हमने मीम को क्या करा, खींच दिया, जबकि हमें मीम को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। कैसे पढ़ना है हमें, आदम आदम आदम, ठीक है, दाल और मीम को हमें जल्दी से पढ़ना है, जल्दी से, कैसे, आदम आदम, दाल का मखरज याद है ना आपको, वहीं से दाल निकालिए, यानी जुबान की नोक और सनाया उलिया की जड़, सनाया उलिया की जड़। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, आदम 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 दम दम, ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है, आदम आदम। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है आमन, इसी की तर्ज पे है, यानी जिस तरह आदमा हमने पढ़ा उसी तरह हम कैसे पढ़ेंगे, आमना। इसको हिजो करके देख लेते हैं, हमजा खड़ा जबर आ, हमजा खड़ा जबर आ, मीम जबर मा आमा आमा, नून जबर ना, नून जबर ना, आमना आमना आमना। अगर हम इसको ऐसे कर दें आमना ना, ना को अगर हम खींच दें तो क्या होगा, ये गलती हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमें ना को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, मीम और नून को हमें जल्दी से पढ़ना है, कैसे, आमना आमना आदमा आमना आदमा आमना। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है मालिकी, इसको ही जो हम किस तरीके से करेंगे देख लीजिए, मीम खड़ा जबर मा, मीम खड़ा जबर मा, लाम ज़ेली माली माली, काफ ज़ेर की मालिकी मालिकी। अब इसमें देखिए हमने क्या करा, सिर्फ मीम को खींचा है, ना हमने लाम को खींचा है और ना हमने काफ को खींचा है। मीम पे क्या है, खड़ा जबर, ठीक है, खड़ा जबर वाली हरकत लगी हुई है, इसलिए मीम को खींचेंगे, और कितना खींचेंगे, दो हरकत की बराबर, या आप कह सकती हैं अलिफ मद्दा की बराबर, जितना हमने अलिफ मद्दा को खींचा है, जितना हमने अलिफ मद्दा को खींचा है उतना ही क्या करना है हमें, इसको खींचना है, यानी खड़ी हरकत को खींचना है। तो देख लीजिए कैसे पढ़ेंगे, मालिकी मालिकी मालिकी, जेर को बारीक करके पढ़िए, लीकी लीकी मालिकी, आदमा आमना मालिकी मालिकी, काफ को जल्दी से छोड़ दीजिए मालिकी। नेक्स्ट आ जाइए, हमजा जबर आ, बा जबर बा, अबा 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 अबा, वाओ खड़ा जबर वा, अबा वा अबा वा, वाओ को हमें खींचना है क्योंकि वाओ पे क्या है, खड़ा जबर लगा हुआ है। इसके अलावा ना हम हमजा को खींचेंगे, ना बा को खींचेंगे, और ना आगे जो हा आ रही है उसको खींचेंगे, सिर्फ पूरे लफ्ज में किसे खींचेंगे, वाओ खड़ा जबर वा, इसको खींचेंगे, कैसे, अबा वा अबा वा अबा वा, हा पेश हु हा पेश हु, अबा वा हु अबावाहु अबावाहु अबावाहु, आदमा आमना मालिकी, अबावाहु अबावाहु। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, सेकंड लाइन में फर्स्ट नंबर पे देखिए, सीन जबर सा,
मीम खड़ा जबर मा समा, वाव खड़ा जबर वा समावा। इसमें आप देख लीजिए अक्सर हम गलती क्या कर जाते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं समावा समावा, हम मीम को खींचना भूल जाते हैं, वाव को तो हम खींच लेते हैं लेकिन मीम को खींचना भूल जाते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें ये देखना है कि मीम पे भी खड़ा जबर है और वाव पे भी खड़ा जबर है, तो हमें किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी है बल्कि हमें दोनों के दोनों को ही बराबर से खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, समावा समावा, ताजिरती ताजिरती, जल्दी से पढ़ेंगे समावाती समावाती, दोनों को बराबर खींचेंगे मीम और वाव को, समावाती समावाती। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है गौवीना, गईन खड़ा जबर गो, वाव या जेर वी, गौवी गौवी। गईन पे क्या है, खड़ा जबर, और वाव पे क्या है, वाव में क्या जुड़ा हुआ है, या मद्दा, ठीक है या मद्दा। तो जितना हम गईन को खींचेंगे उतना ही हम वाव को खींचेंगे, और नून को बिल्कुल नहीं खींचेंगे, नून जबर ना, नून जबर ना, गौवीना गौवीना गौवीना, समावाती गौवीना गौवीना। नेक्स्ट आ जाइए, या सालिहु, या खड़ा जबर या, सौत खड़ा जबर सो, या सो या सो, लाम ज़ेर ली, या सोली, हाफिश हु हाफिश हु, या सोली हु। इसमें आपको ध्यान रखना है कि लाम ज़ेर ली, इसको बारीक करके पढ़ना है, या सोली हु ली हु, या सोली हु, या और स्वाद दोनों को बराबर से खींचना है, किसी को कम या ज्यादा नहीं करना है, या सोलिहु या सोलिहु। नेक्स्ट आ जाइए, हमजा खड़ा, हमजा ज़ेर ई, लाम खड़ा जबर ला, इला हाफिश हु इलाहु इलाहु, लाम को खींचेंगे इलाहु, नून अलिफ जबरना, नून अलिफ जबरना, नून में क्या जुड़ गया, अलिफ मद्दा। जितना हम अलिफ मद्दा को खींचते हैं उतना ही हम खड़ा जबर को खींचते हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे, इलाहुना 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 इलाहुना। अगर हम इसको पढ़ दें इलाहुना, यानी नून जबर ना पढ़ दें, तब भी ये गलत हो जाएगा। जो जितना हम लाम को खींचेंगे उतना ही, अगर ये होता हा अलिफ जबर हा, तब भी हम इसको इसी तरीके से पढ़ते जिस तरह हम इसको हा खड़ा जबर हा करके पढ़ रहे हैं। तो हा खड़ा जबर हा किसके इक्वल है, हा अलिफ जबर हा, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपको। तो कैसे पढ़ेंगे हम इसको, हादा हादा रिसालाती। नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट है हमारा, दाल खड़ा जबर दा, लाम ज़ेर ली दाली, काफ जबर का, दालिका 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 दालिका। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये मश्क जो है, एक्सरसाइज हमारी पूरी हो चुकी है खड़ा जबर की। दुआ पढ़ लीजिए, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतुबु इलैक। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट, हम इस के बाद जो सैटरडे आएगा उसको हम इसे गालिबन शायद 8 तारीख पढ़ रही है, 8 अगस्त, तो उसको हम इंशाल्लाह अपना सेकंड बैच स्टार्ट करने वाले हैं 8 अगस्त को, ईद के बाद। उसकी टाइमिंग रहेगी 3 बजे, दोपहर में 3 बजे 3 PM।
और वो हमारी क्लास रहेगी सैटरडे संडे, सिर्फ दो हफ्ते में दो दिन, सैटरडे एंड संडे। तो उसको आप लोग प्लीज ज्वाइन करिएगा, और न्यू बैच के जो लोग हैं उनके लिए खास तौर